भारत बंद के बाद भी दलित समुदाय को लेकर खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इस मामले में पहले भी आवाज उठा चुकी बहराइच से बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले एक बार फिर अपनी पार्टी और सरकार से नाराज दिखी। उन्होंने प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और सरकार से इस पर दखल देने की मांग की। जानकारी के मुताबिक सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हमारी ना तो सरकार से नाराजगी है ना ही पार्टी से नाराजगी है। मैं डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान और दिए गए आरक्षण के तहत बहराइच लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश के बहुजनों पर हो रहे अत्याचारों शोषण अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं, चाहे वह सदन हो या सड़क, मैं हर जगह संघर्ष करूंगी। सांसद ने कहा कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति के लोग जो शहीद हुए हैं, साथ ही जिन्होंने हमला किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में जांच बिठानी चाहिए। जब बहुजन समाज शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था तो उसे खूनी क्रांति में बदलकर बहुजन समाज का दिमाग हटाने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि यह साजिश जिन लोगों ने रची है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।